हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं गर्मी का बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा बेल का शरबत। ये गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद शरबत होता है और इसे बनाने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ हमें बेल और शुगर लेना है। यह हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी ठंडक देता है और इसमें कुछ मिंट का फ्लेवर आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। मिंट भी गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, आपको मिंट का भी शरबत पीना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 बेल, पिसी हुई चीनी, पानी जो हम बेल का शरबत बनाने में डाल के यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे फोड़ लेना है हमें। इसे फोड़ लिया है मैंने कुछ इस तरीके से। अब इसका पल्प निकाल करके हमें एक अलग बाउल में रख लेना है। ये थोड़ा सा हार्ड था, मैंने इसे ज़मीन में रख के फोड़ लिया है। अब इसका धीरे धीरे करके पल्प निकाल लेंगे। इस पल्प के अंदर थोड़े बीज होते हैं, हमें वो भी निकाल करके अलग करने हैं। तो सबसे पहले हमें सारे बेल का पल्प निकाल करके अलग करना है। कुछ इस तरीके से मैंने इसका पूरा पल्प निकाल करके अलग कर लिया है। अब इसे हाथ से अच्छे से मिला देंगे एक बार। इसमें डालेंगे हम पानी, मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाटर का यूज़ किया हुआ है, आप ठंडे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे इस तरीके से सारा पल्प इसका अच्छी तरीके से मिल जाए, इस तरीके से हमें इसे हाथ से ही मिला देना है। इसमें जो भी बीज या थोड़ा मोटा पल्प निकलेगा उसे हाथ से निकाल के अलग करते जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारा पल्प निकल करके तैयार हो गया है। अब एक बड़े बाउल में एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसे छान लेंगे अच्छी तरीके से। जितने भी रेशे और बीज होंगे वो इस स्ट्रेनर में रह जाएंगे और हमारा पल्प का अच्छे से जो मटेरियल है वो निकल करके बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से इसे दबाते हुए बड़े बाउल में हम इसे छान लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं ऊपर से, जिससे पल्प का पूरा मटेरियल अच्छी तरीके से निकल आए। ये देखिए, इस तरीके से इसे दबाते हुए इसे अच्छे से निकाल लेना है। अब इस स्टेज में सारा पल्प का अच्छा मटेरियल निकल के बाहर आ गया है। अब इसे दबा करके एक बार फिर से देख करके इसे हटा देना है। इस तरीके से ये जूस निकल करके तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैंने ये 1 स्पून शुगर यूज़ करी है, ये ऑप्शनल है। कई बार बेल भी काफ़ी मीठे होते हैं जिसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हमने इसमें काफ़ी सारा पानी ऐड किया है इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छा टेस्ट करने के लिए इसमें शुगर डाली। शुगर को एक बार मिला लिया। मैंने पिसी हुई चीनी ली है इसलिए इसे ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारा बेल का शरबत बनके तैयार हो गया है। तो चलिए निकालते हैं इसे एक जग में। मैंने इसमें डाली कुछ आइस क्यूब्स, कुछ फ्रेश मिंट लीव्स। फ्रेश मिंट का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसमें डालेंगे अपना शरबत। ये देखिए, ये अभी काफ़ी गाढ़ा है, इसे थोड़ा पतला करने के लिए हम इसमें अपने हिसाब से थोड़ा पानी और डालेंगे। मैंने करीब इतने शरबत में 2 ग्लास पानी का यूज़ किया है और मिंट हम पहले से डाल चुके हैं इसमें, तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब एक बार इसे अच्छे से मिला देंगे। बस ये हमारा ठंडा ठंडा बेल का शरबत बिल्कुल बन के रेडी है। तो चलिए निकालते हैं इसे ग्लास में, क्योंकि मैंने इसे अभी बनाया है और बर्फ़ पूरी घुली नहीं है। तो ग्लास में थोड़ी सी डालते हैं हम आइस क्यूब और यूज़ करेंगे इसमें थोड़ी सी मिंट लीफ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐसे ही पी सकते हैं, ये ऐसे ही काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा ठंडा ठंडा पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें मैंने डाल दिया अपना बेल का शरबत। ये हमारा फ्रेश बेल का शरबत बन के रेडी हो गया है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं गर्मियों में और इसे पिए, ये गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप भी इस तरीके से बेल का ठंडा ठंडा मिंट वाला शरबत बना करके पीजिए, ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके नीचे प्रेस करिए एक लाइक
थैंक्स फॉर वॉचिंग।